आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के आठवें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस श्लोक को समझने के पहले पिछले जो श्लोक में जो चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से अनेक अनेक जीवात्मा जो है अनेक अनेक शरीर धारण करते हैं और कैसे क्यों और किस प्रकार से इस अनेक अनेक शरीरों में से जाने से हम किस प्रकार से उसको टाल सकते हैं या मुक्त हो सकते हैं। तो इस हेतु मैं अनुपमा माधवी माता जी को निवेदन करूंगी कि पिछले श्लोक का जो अध्ययन हमने किया था उन्होंने बहुत सुंदर रूप से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में उन्होंने बनाया है, तो उसको हम देखेंगे और फिर आगे हम इस श्लोक की चर्चा करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी कि अनुपमा माधवी माता जी ये सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम सब भक्तों के लिए आनंद के लिए और ज्ञान के लिए प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। तो माता जी मैं शेयर स्क्रीन करके दिखा दूं क्या प्रेजेंटेशन? हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। ये जो भी मैंने बनाया है ये कृष्णमयी माता जी के डायरेक्शन से ही बनाया है, उनके ही शिक्षण के हिसाब से बनाने की कोशिश करी है आप सबके लिए। तो हमने कल श्रीमद् भागवतम की श्लोक संख्या सेकंड कैंटो आठवां अध्याय और 15वां श्लोक में पढ़ा था और माता जी ने साथ ही साथ जो परीक्षित महाराज का प्रश्न था उसका जो सही उत्तर था उन्होंने हमें अध्ययन कराया था भगवद गीता एज इट इज जो 13वां अध्याय और 13वां अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक। सो तो इसमें हमने ये देखा था कि कैसे महाविष्णु के शरीर में जो प्रकृति और जीवा वो दोनों विश्राम करते हैं, द टू इटर्नल एनर्जीज। और प्रकृति और जीवा दोनों ही इटर्नल हैं। प्रकृति उनकी इंफीरियर एनर्जी है और जीवा सुपीरियर एनर्जी है। तो और किस तरह से महातत्व के मदद से ये जो सारी सृष्टि है वो बनती है, महाविष्णु के शरीर से ये निकल करके प्रकृति और जीवा वो सृष्टि बनाती है और जो 84 लाख योनि जो इस जगत में है वो ये सृष्टि में किस तरह से जो जीवा है भिन्न भिन्न शरीर का शरीर रूप धारण करता है। तो जो जीव को जो शरीर मिलता है वो एक तरह से हरे कृष्णा नंदा यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो एंड बोथ सो इट विल बी मोर यू रीड इट इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन इट इन हिंदी पीपल विल बी एबल टू रिलेट ओके एंड यू विल हैव योर फ्लो थैंक यू। तो द महातत्व मैनिफेस्टेशन बेसिकली टेक्स प्लेस जो टेक्स प्लेस ऑफ द 84 लिविंग 84 टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटीज through the help of Mahatattva from the body of Mahavishnu. और तो इस तरह से महातत्व से जो है जो सृष्टि और सृष्टि में जो 84 लाख योनि होती है वो जीव को अलग अलग
भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं, उनको प्रदान किए जाते हैं. सो देन द मटीरियल नेचर, सो इट इज नॉट ईश्वर, इट इज मटीरियल नेचर विच अवॉर्ड्स द जीवा अ रेसिडेंशियल क्वार्टर. रेसिडेंशियल क्वार्टर, प्रभुपाद हैज यूज द टर्म रेसिडेंशियल क्वार्टर इन भगवद गीता, एंड दैट इज द बेस्ड ऑन द पास्ट डिजायर्स. It is based on the past desires of the jiva and his activity. तो जो जीव है, हिंदी में जो जीव है, उसको शरीर जो प्रदान होता है, उसके पूर्व कार्य और पूर्व इच्छा के अनुसार उसको वो शरीर दिया जाता है. और once within the body, the three modes of material nature, they act on the jiva's body through the material senses. That gives rise to new desires. So, इसमें जो keyword है वो ये है कि जो जीव का जो शरीर है, शरीर भौतिक है, और जो उसकी इंद्रियां हैं जिससे वो अपने नई इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, वो भी भौतिक है. तो जब वो भौतिक चीज, भौतिक जो तीन गुण है, रजोगुण, सातोगुण और तमोगुण, वो भौतिक ये गुण उस पे असर करते हैं. सो द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, दे एक्ट ऑन द बॉडी एज वेल एज द सेंसेस. हमें ये याद रखना है कि जीवा तो सुजीवा जो आत्मा है वो सुपीरियर है, लेकिन बॉडी पे और सेंसेस पे ये तीन गुण ये असर करते हैं, और इसकी वजह से नए इच्छाएं उत्पन्न होती हैं. His attachment to the material nature and the desire to lord over it leads to change of dress or body. तो क्योंकि जीव जब तीन गुणों से असर हो जाता है तो उसको इस भौतिक जिंदगी से आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होने के कारण उसकी और इच्छाएं उत्पन्न होती है, और जब और इच्छाएं उत्पन्न होती है तो ही वो बार बार इस भौतिक जिंदगी में अलग अलग शरीर धारण करता है. लेकिन ये बात प्रभुपाद ने एकदम क्लियरली कही है कि इन ऑल सिचुएशंस द काइंड सुप्रीम लॉर्ड अकंपनीज द जीवा एज परमात्मा. तो जो भी शरीर वो धारण करता है, जहां भी वो जाता है, भगवान इतने दयालु हैं कि वो जीव के साथ परमात्मा रूप में हमेशा रहते हैं. तो इससे कैसे निकला जा सकता है? द सोल्यूशन टू कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ गेटिंग अ वैरायटी ऑफ द बॉडीज. सो जीवा विच इज बाउंड विद इन द मटीरियल एनर्जी शुड एम टू ट्रांसेंड द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर. तो जीव बद्ध है, जीव इज इनकेस्ड, माने हम इस शरीर के अंदर है. तो शरीर से हमें इन तीनों गुणों को से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए. एंड जीवा कैन ट्रांसेंड ओनली इन द ह्यूमन बॉडी. तो ये जो 84 लाख योनि जो जीवा को मिलते हैं, जो रेसिडेंशियल क्वार्टर मिलता है, सिर्फ और सिर्फ केवल जब उसको मनुष्य शरीर मिलता है तो ही वो इस तीन बंधनों से बाहर निकल सकता है. एंड द प्रोसेस इज ही नीड्स टू हियर अबाउट द साइंस ऑफ गॉड, ही नीड्स टू हियर ओनली फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेज, एंड ग्रेजुअली हिज डिजायर टू लॉर्ड ओवर द मटीरियल नेचर विल डिमिनिश एंड ही विल एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. तो ये जो तरीका है, ये प्रभुपाद जी ने बताया कि उसको जो भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी होगी, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करनी होगी. और कैसे वो कर सकता है? सुन करके जो प्रमाणिक गुरु परंपरा है उन्हीं से ही सुनना है. जिस तरह से अर्जुन ने श्री कृष्ण से सुन करके अपने जितने मन के भ्रम थे वो दूर करे थे और भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करा था. और जैसे जैसे मनुष्य इसके बारे में सुनता है, धीरे धीरे, शमा शमा, धीरे धीरे उसकी
जो इच्छा होती है कि कैसे इस भौतिक जगत पे अपना प्रभुत्व दिखाए, वो कम होते चला जाता है और उसे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। ये स्लो प्रोसेस, ये धीरे धीरे होता है, लेकिन बाय कंटिन्यूअसली एंड सबमिसिवली हियरिंग ही विल बी सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल पोजिशन। तो जब वो लगातार ये चीज करता है और सबमिसिवली माने विनम्र भाव से गुरु परंपरा से सुनता है, तो वो अंततः वो जरूर आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंच जाएगा और ये बद्ध अवस्था से निकल पाएगा। तो ये मैंने एक डायग्राम में भी करने की कोशिश करी है कि किस तरह से द प्रॉब्लम ऑफ साइकिल ऑफ डिफरेंट बॉडीज, इट्स एक्चुअली अ साइकिल, ये पूरा हम इसमें घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। तो हम द बॉडी ऑफ महाविष्णु, इट्स इन रेस्टिंग स्टेज, सो महाविष्णु के शरीर से कैसे जीवा और प्रकृति शरीर में है महाविष्णु के, बट विद महातत्व द जीवा गेट्स अ बॉडी और अ रेसिडेंशियल क्वार्टर। तो महातत्व जब एक्ट करता है जब जीवा और प्रकृति पे, तब सृष्टि होती है और जीवा को एक रेसिडेंशियल क्वार्टर मिलता है, और वो क्वार्टर जहां उसे मिलता है क्योंकि वो मटीरियल है, सो द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर दे एक्ट एंड अगेन न्यू डिजायर्स ऑफ द जीवा स्टार्ट्स हैपनिंग। जीवा के मन में और इच्छाएं आने लग जाती हैं, और जैसे जैसे इच्छाएं आती है द अटैचमेंट टू मटीरियल नेचर माने उसका प्रेम इस भौतिक जिंदगी से, उसकी आसक्ति इससे बढ़ने लग जाती है, और फिर उसको एक और अनदर वेराइटी ऑफ बॉडी ऑफ जीवा, सो बेस्ड ऑन द डिजायर्स ऑफ हिज सेंसेस ही गेट्स अनदर बॉडी। एंड द सोल्यूशन, व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन वी हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ अर्जुन हियरिंग फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। सो इफ जीवा गेट्स अ ह्यूमन बॉडी देन ही शुड एम टू ट्रांसेंड द थ्री मोड्स। जैसे ही जीव को एक शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका ये लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे वो इस भौतिक जिंदगी से ये जो तीन गुण हैं इनको तोड़ करके बाहर निकल सके। सो द वे इज डू ओरल रिसेप्शन ऑफ साइंस ऑफ गॉड थ्रू अथॉरिटेटिव सोर्सेस। माने आप श्रवणम करें, श्रवणम हमें करना है कि भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी है और सुनना है पारंपरिक गुरु परंपरा से। प्रोपोर्शनेटली डिजायर्स विल डिमिनिश एंड ही विल एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल ब्लिस। सो धीरे धीरे उसकी इच्छाएं कम होती जाएगी और उसे आनंद की अनुभूति होगी। इसी तरह से विद कंटिन्यूअस एंड सबमिसिव हियरिंग, ऐसे करते करते, जब लगातार करते करते, ही विल रीच द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, या वो भौतिक जो गुण है उनसे परे हो जाएगा और वो आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। Hare Krishna, thank you very much Anupama Madhavi Mataji for considering all the points that were discussed yesterday. आपने जो points है वो बहुत सुंदर तरीके से आपने इस flow को सबके सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much Anupama Mataji. Hare Krishna. So Hare Bol. Raj, अब हम 16वें श्लोक का चर्चा करेंगे। हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो है अन्य प्रश्न पूछ रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी से, और इस श्लोक में तीन प्रश्न पूछा जा रहा है। कृपया करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतर विशिष्ट विभाग
अभी यहाँ पे ब्रह्मांड के सिर्फ बाहर नहीं लेकिन भीतर का भी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र, तो तीन पॉइंट यहाँ पर, एक है ब्रह्मांड के बाहर तथा भीतर के विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों, विभिन्न वर्ण, जैसे कि सब वर्ण है, विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्णीकरण का भी वर्णन करें। तो ये तीन चीजें यहाँ पर जो श्री परीक्षित महाराज और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से अपने तात्पर्य में उनका वर्णन कर रहे हैं। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण भक्त है, अतः वे भगवान की सृष्टि की संपूर्ण महत्ता को जानने के इच्छुक है। तो कभी कभी जो है सामान्य लोग सोचते हैं कि ये भक्त जो है वे सब भावुक प्रकार के लोग, भावुकता से भगवान का भजन करते हैं, भावुकता से भगवान का कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पागलों की जैसे ऐसे भगवान को साथ संबंध करते हैं, उनको क्या पता है, उनको क्या ज्ञान है, हम ज्ञानी हैं, हम जानते हैं। ये प्रमाण है यहाँ पे परीक्षित महाराज भगवान के परम भक्त है, भगवान के परम सेवक है, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन कर रहे, वो कितना बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहे, ये प्रमाण है। और प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, जिनका यह मत है कि भगवत भक्त मात्र भावनाओं से संतुष्ट हो जाते हैं, तो महाराज परीक्षित की जिज्ञासाओं से यह देख सकते हैं कि विशुद्ध भक्त वस्तुओं को पूरी तरह जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड फॉलोइंग है, तब पढ़ रहे थे सिर्फ मियर सेंटिमेंट्स, दोज हु थिंक दैट ओनली सेंटिमेंटल है, तो ये कैन फाइंड द इंक्वायरीज ऑफ महाराज परीक्षित गुड लेसन एज टू हाउ इनक्विजिटिव अ प्योर डिवोटी इज। सबसे बड़े ज्ञानी है क्योंकि वे खोजते ज्ञान, प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे परीक्षित महाराज इतने प्रश्न पूछते हैं कि भौतिकवादी लोग को भी ऐसे प्रश्न मन में नहीं आएंगे, और इतनी गहराई से डिटेल्ड में, ऐसा नहीं कि हाँ अभी अंदर बाहर यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। भाई भयान भयंतर, भाई और अंतर दोनों अंदर का पीपा, ऐसा नहीं कि बाहर का, चलो बाहर का। और जो आधुनिक साइंटिस्ट वगैरह है वे बाहर का तो सोचो, अंदर का भी उनको पता नहीं कि इस जिस जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतर विशिष्ट विभागों को अभी भी नहीं खोज रहे,
को पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो लोग ऐसे सोचते हैं, दिखार है उनको, क्योंकि वे जानते नहीं है कि भक्त कितने जिज्ञासा करते हैं और जिज्ञासा करके भक्ति। और हम यहाँ पे ही जिज्ञासा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि अंधे होकर क्योंकि सब लोग जा रहे तो हम भी जाए, ऐसे नहीं है और कभी भी नहीं है। और भगवान भी हमें ऐसे नहीं कर कहते हैं कि वे हमें जानना है। भगवान हमें, भगवान जो है वो अपने विषय में हमें जानकारी देते हैं। पूरी भगवद गीता में भगवान ने बताया कि वे क्या है, सब जानकार। इतना विशाल जो वैदिक साहित्य है, अपने ग्रंथ है, इतने विशाल है कि हमें जितना भी ज्ञान या जितना भी जानकारी चाहते हैं हम उसको प्राप्त कर सकते। पर भौतिकवादी लोगों को सोचते, क्योंकि उनकी तो इतनी सीमित ज्ञान है, ये विशाल ज्ञान का जो सागर है, आध्यात्मिक ज्ञान का विशाल सागर है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि I have written so many books that it will take 50 years to read all the books and understand. 50 years, इतना सारा ज्ञान दिया है उसको पढ़ के समझने के लिए, तो अंदाजा लगा सकते कि भक्त जो होते हैं वे कितने ज्ञानी होते हैं, वे जानना चाहते हैं, वे ब्रह्मांड के आंतरिक तथा बाहरी आकाश के विषय में जानना चाहते। और यहां भी सुखदेव गोस्वामी उनको सब बताएंगे विस्तार रूप से। ज्ञान के वास्तविक खोजी के लिए इस विषय में पूरी तरह जानना सर्वथा उपयुक्त है। इसीलिए ये दो दो अध्याय है, ये जो दो स्कंद है, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद, खास करके ये दूसरा स्कंद पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, ताकि हम कन्विंस्ड हो जाए कि जो भी हम करते हैं वो कोई भावना या भावुकता से नहीं कर रहे हैं, आधुनिक विज्ञानी जब ब्रह्मांड अंतरिक्ष के आंतरिक आकाश के विषय में जान पाने में असक्षम है, तो फिर ब्रह्मांड को आच्छादित करने वाली अंतरिक्ष आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता नहीं। और भक्त सभी प्रकार की जिज्ञासा, जैसे कि इस लोक में परीक्षित महाराज जी अंतरिक्ष और भक्तों, भगवत भक्तों का, भगवत भक्तों या महापुरुषों के चरित्र तथा कार्य के विषय में जानने के उत्सुकता प्रकट कर रहे, सब कुछ जानना चाहते, सच साइंटिफिक नॉलेज और पर्सनल नॉलेज। और ये सब जो है भक्त को, जैसे कि यहाँ पे
प्रभा जी बताते हैं कि महाराज परीक्षित मात्र भौतिक ज्ञान से तुष्ट होने वाले नहीं है। भगवान भगवत भक्तों का या महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों के विषय में जानने के उत्सुकता प्रकट करते हैं। भगवान की महिमा तथा उनके भक्तों की महिमा से मिलकर श्रीमद् भागवतम का पूर्ण ज्ञान बना है। ये श्रीमद् भागवतम ही पूर्ण भगवान की महिमा और भगवान के भक्तों की महिमा से भरा हुआ है। यहाँ पे इन अध्यायों में भगवान की महिमा का वर्णन किया जा रहा है और आगे चल के हम देखेंगे कि भगवान के भक्तों की महिमा और साथ साथ से भगवान की महिमा दोनों की जानकारी श्रीमद् भागवत। क्योंकि अगर हम किसी पथ पे है, किसी मार्ग पे है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें जो है उसके विषय में ज्ञान हो। किस हेतु, जो अभी इस प्रेजेंटेशन में बताया गया, कि अगर हम एक शरीर के दूसरे शरीर से जाने से अपने आप को बचा सकते, ज्ञान से और भक्ति से, तो भक्तों को बड़ा डिग्री 3-4 लाइन विजिटिंग कार्ड में नहीं, पर क्या फायदा, क्या मतलब जब आप जानते नहीं। और भक्त, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है माता यशोदा ने, तो भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड को देखा, तो भगवान भक्तों को ज्ञान भी है और वो देख भी सकते जो वो अपने टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। तो यहाँ पे किंतु भगवत कृपा से भक्त लोग भगवान के मुख के भीतर ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं देखने में सक्षम होते हैं। उनको बड़ा काम करना नहीं, कितना रिसर्च, पूरा जिंदगी, और अभी कितना ये पूरा जगत, कितने अभी कितना पुराना है, तभी भी 2020 में भी वो लोग कितना ढूंढ रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए ये क्यों, क्योंकि वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, इसीलिए भगवत भक्तों को जो ज्ञान अभी ऊपर से आ रहा, श्री सुखदेव गोस्वामी से ये ज्ञान परीक्षित महाराज प्राप्त, बैठ के खोजने की जरूरत नहीं, पूरा घूमने की जरूरत नहीं। उसको कहते हैं अवरोह पंथ, डिसेंडिंग नॉलेज। असेंडिंग नहीं, नीचे से ऊपर नहीं जाता, नीचे से ऊपर जा ज्ञान होता, कि हम हर एक चीज को खोजते 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 ऊपर हो सकता है, लेकिन वो बहुत अभी कितने 220 हो गए खोज रहे, लेकिन भक्त एक ही क्षण में पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जो है पूर्ण परफेक्ट नॉलेज है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट, कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि ये अपौरुषेय है, फ्री फ्रॉम द 4 डिफेक्ट्स। भक्त जो है वो जानते ही नहीं है, लेकिन देख भी सकते प्रत्यक्ष।
तो ये अंतर है यहाँ पे। तो पहला है जो प्रश्न उन्होंने पूछा ये ब्रह्मांड के विषय में, जो आगे चल के और भी विस्तार रूप से इस भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी ही सभी प्रश्नों का उत्तर, ताकि जब हम दसवें स्कंद तक पहुंचेंगे और भगवान की लीलाओं को सब देखेंगे तो कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि ये ऐसे लीला क्यों कर सकते हैं। ये माइथोलॉजी नहीं है, साइंटिफिक है, ये बच्चों की कथाएं नहीं है, सबसे उच्च स्तर का ये आध्यात्मिक स्थिति है भगवान की लीलाओं को समझ। इसलिए मना किया गया है, डायरेक्टली अगर हम दसवें स्कंद को पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे भगवान सामान्य है हमारे जैसे, वो क्या कर रहे, माखन चुरा रहे, बच्चों के साथ खेल रहे, कूद रहे, गा रहे। तो इस प्रकार से हम बोट को मिस करेंगे। ये भी दूसरा एक आध्यात्मिक जो है भ्रम हो सकता है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम क्रम से हमें वहां तक ले जाए और फिर हम इसका जो आनंद है, क्योंकि वे भगवान दसवां स्कंद भगवान के मुखारविंद, इस सुंदर मुखारविंद का दर्शन हम क्रम से, लेकिन ये जरूरी जानना। तो इसीलिए यहाँ दूसरा बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों के बीच में है, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम खास करके हमारे देश में। पर ये हम समझते नहीं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, और भगवान ने ही इन चार आश्रम और चार वर्ण को उन्होंने भगवद गीता में भगवान बताते, चतुर वर्ण्यम मया शिष्टम मया मी बाय मी आई हैव डन दिस अकॉर्डिंग द फोर डिविजन्स ऑफ सोसाइटी वर क्रिएटेड बाय मी। पर हाउ गुण कर्म विभाग जन्म से नहीं, not by birth, guna, quality, or karma work। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, ये नहीं है, ये वर्णाश्रम है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हो के भी अगर, और इस कलयुग में तो सब सूद रहे, ये शास्त्रों का प्रमाण है, हमने क्या, और भगवान ने ये सब बताया है कि ब्राह्मणों का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या कार्य है, वैश्य का क्या कार्य है, शूद्र का क्या कार्य है, सब कुछ बताया गया। चतुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग, अकॉर्डिंग टू द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर एंड द वर्क ascribed to them, the four divisions of human societies were created by me. क्यों? For the proper functioning of society. ऐसे नहीं लोगों को विभाजित करने की मैं ब्राह्मण हूं तुम शूद्र हो, नहीं, एक cooperation का very important point here. Harmony in society. आज disharmony इसीलिए है क्योंकि बाहर ब्राह्मण अपना कार्य नहीं कर रहा है, ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन नौकरी नहीं करता, जॉब नहीं करता। तो इसीलिए इस युग में
सो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं माय मिशन इज टू मेक ब्राह्मणास, और ऐसे म्लेच्छ लोगों को भी प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण के स्तर पर, क्योंकि गुण से होता है, ब्राह्मणों का गुण होना चाहिए जो भगवान यहाँ पे बताए गुण से, और ये वर्णाश्रम धर्म श्री प्रभुपाद जी के बहुत विजन्स थे, कार्य थे, लेकिन उनका मेन विजन था कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये संदेश और श्रीमद् भागवतम और उनकी पुस्तक, लेकिन उनका ये भी एक मिशन था जो वर्णाश्रम, और उनके जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने काफी उन्होंने कार्य किया था तो उन्होंने ये वर्णाश्रम धर्म के विषय में उन्होंने कहा था कि इसको बहुत जरूरी है कि सोसाइटी में ये वर्णाश्रम धर्म नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कास्ट और क्रीड और कलर, और जो वर्णाश्रम धर्म प्रभुपाद जी बता रहे थे वो दैवी वर्णाश्रम, तो ये जो वर्णाश्रम है दैवी वर्ण, दैवी वर्णाश्रम का अर्थ क्या है कि सभी जो आश्रम में सभी व्यक्ति जो है अपने सभी कार्य जो है भगवान श्री कृष्ण की ओर और भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य बन करे, कोई भी वर्ण कोई भी आश्रम क्यों ना हो, दैट इज कॉल्ड दैवी वर्णाश्रम। दैवी वर्णाश्रम मीन्स द सिस्टम ऑफ वर्ण एंड आश्रम वेयर बाय द इंडिविजुअल्स आर डायरेक्टिंग ऑल देयर एक्टिविटीज टुवर्ड्स प्लीजिंग कृष्णा, where the members of each varna and ashram know about devotional service and are willing to practice devotional service within the confines of varna and ashram. Devotional service, bhagavat bhakti, bhagavan ko kendra bindu bana ke koi bhi varna aur ashram, और इसका भी वर्णन हमने पढ़ चुके हैं इस अध्याय के इस स्कंद के पांचवे अध्याय में भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया है, और भगवान कहते हैं कि द ब्राह्मणास रिप्रेजेंट द माउथ, भगवान के मुख है ब्राह्मण, क्षत्रिय उनके भुजाएं हैं, वैश्य उनके झंगा है और शूद्र जो है उनके पैर है, तो इस प्रकार से पूरा जैसे कि यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया जा रहा है कि चार विभाग मनुष्य के निजी शरीर के चार भागों के ही समान है, अलग अलग नहीं है, एक समान है, एक समान एक शरीर के ही अंग है, सभी का इंपॉर्टेंस है, नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है लेकिन वैश्य क्षत्रिय इंपॉर्टेंट नहीं, सभी शरीर के ये विभाग है यहाँ पे, दैट इज द साइंस सिग्निफिकेंस ऑफ द होल साइंटिफिक सिस्टम ऑफ द फोर कास्ट एंड फोर स्पिरिचुअल ऑर्डर्स। शरीर के अंग शरीर के अभिन्न होकर भी स्वयं में अंग मात्र होते हैं, चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की वैज्ञानिक प्रणाली की यह विशिष्टता है, वैज्ञानिक प्रमाण प्रणाली की ये विशिष्ट, ये वैज्ञानिक है, चार भगवान जो बताते हैं, कभी भी हमारे लिए हानिकारक नहीं, हमारे लिए सुख
और सुविधा होने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर हम उनको बदले और अपने स्वार्थ के अनुसार उसका फायदा उठाए, उसको कहते अनुचित लाभ उठाना, और यही हुआ कलयुग के कारण कि ब्राह्मणों ने अनुचित लाभ उठाया, शोषण करने का मन में किसके ऊपर कम जाती, और इसीलिए जात पात ऐसा नहीं। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी, मानव समाज में ऐसे वैज्ञानिक विभाजन की महत्ता भगवान की भक्ति के अनुपातिक विकास द्वारा आंखी जा सकती है। शारीरिक सरकारी नौकरी, अभी सरकारी नौकरी उदाहरण दे प्रपंच, सरकारी नौकरी में रत कोई भी व्यक्ति जिसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित है, संपूर्ण सरकार का अंग होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है, चाहे वो यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट, प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो सरकारी कर्मचारी है, वो सरकार नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, किंतु इनमें से कोई भी सरकार नहीं है। सरकार तो बैठे हैं, सरकार नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जीवात्माओं को ठीक यही स्थित, तो गवर्नमेंट, तो इसी प्रकार जो हमारे सभी अंग है एक दूसरों के, कोऑपरेशन, सेवक एक दूसरों की सेवा के लिए है, ब्राह्मण क्षत्रियों की सेवा के लिए, क्षत्रिय ब्राह्मण की सेवा के लिए, क्षत्रिय वैश्य की सेवा के लिए, और एक अनेक अनेक सभी सेवा भाव से कार्य कर, इंटरडिपेंडेंट, और सबकी जरूरत, जैसे कि प्रभुपाद जी जो है बहुत सुंदर उदाहरण देते कि सामान्यतः सिर जो है सभी शरीर से ज्यादा इम्पोर्टेंट, हेड इज इम्पोर्टेंट। अगर देखा जाए कि शरीर के दूसरे अंगों से, क्योंकि डिसीशन ब्रेन से हेड, तो हेड इज रिक्वायर्ड, हेड की जरूरत है। ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द लॉर्ड, एज मच नो वन इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड, जिस प्रकार से सभी हम भी कोऑपरेटर्स हैं, तो इस प्रकार ये मुख पैर हाथ अलग अलग है, अलग अलग कार्य करते हैं, इम्पोर्टेंट। इसीलिए इतना सारा है, हर एक अंग के लिए स्पेशलिस्ट है।
अगर अंग के लिए नहीं इम्पोर्टेंट था तो वाई आई स्पेशलिस्ट? वाई क्या जरूरी है हार्ट स्पेशल? ये सब स्पेशल क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है, और सबसे मुख्य तो वो है ब्रेन। न्यूरोलॉजिस्ट पर अंग भी नहीं काम करेंगे जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, बट द माउथ एंड द हेड ऑफ द बॉडी इज क्वालिटेटिवली मोर इम्पोर्टेंट देन द लेग। At the same time, the mouth, the leg, the arms, and the thighs are all component parts of the body. These limbs of the bodies of the Lord are meant to serve the complete whole. Brahmana is considered mouth. जैसे इस विराट रूप के अध्याय में बताया गया कि जो ब्राह्मण जो है भगवान का मुख। इसीलिए इम्पोर्टेंट, पर ये मुख चल नहीं सकता, हेड कैन नॉट वॉक। फॉर वॉकिंग यू रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ लेग्स। हेड है लेकिन लेग्स नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है तो कैसे चलेगा कोई? इम्पॉर्टेंट है लेग्स भी, इस समाज को चलाने के लिए लेग्स। अभी सब लोग ढूंढ रहे लेबर लेबर लेबर, ऑल लेबर हैज रन अवे। अभी लेबर के बिना क्या हो रहा है? जरूरी है सबको रिस्पेक्ट देना, जरूरी है चाहे वो लेबर हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो। ये हमारा समाज, इस हमारी वैदिक संस्कृति ऐसी बनाई गई विभाजन विभाषण के लिए नहीं है, एक दूसरों को अलग करने के लिए नहीं है, सभी कार्य के सभी के कार्य को मान, वॉकिंग यूनिक कोऑपरेशन ऑफ द लेग्स। और टू मेंटेन द बॉडी यू रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ हैंड्स एंड आर्म्स। हाथ चाहिए, तो इस प्रकार से ये जो है अनेक अनेक जो है हमारे शरीर के अंग हैं, और इसके लिए क्या है, सभी के लिए सभी कोऑपरेशन में कार्य कर रहे हैं, किसके लिए? इक्वल प्रॉफिट टू गेट इक्वल। ठीक है ब्राह्मण जो है इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मण को सेवा करने से, ब्राह्मणों को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते, पर वो ब्राह्मण हिताचा भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण जो है मेरे बहुत प्रिय है, लेकिन गुण होना चाहिए ना ब्राह्मण का जैसा, गुण ही नहीं है तो हाउ यू कैन से गुण कर्म विभाग, गुण कर्म से ब्राह्मण बनता है, जन्म से नहीं। जैसे कि कोई किसी ने बोला कि अरे मेरा तो जन्म, मेरे पिता माता दोनों डॉक्टर है, तो नाउ आई एम बिकम डॉक्टर, आई एम आल्सो डॉक्टर, होता है ऐसा? नहीं। यस फादर एंड मदर डॉक्टर है, तो ये जो है लाभदायी है कि डॉक्टरी में हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, पर कार्य तो करना पड़ेगा, वो गुण तो प्राप्त करना पड़ेगा, स्कूल में जाके एग्जाम पास करना पड़ेगा, कॉलेज डिग्री तो लेना पड़ेगा, फैसिलिटेशन है, लेकिन ये नहीं कह सकते ना आई एम क्वालिफाइड डॉक्टर because my parents are doctor, I am also Brahman. Because my parents are Brahmana, I am also Brahman. Okay, you have the quality.
गुड थिंग ब्राह्मण कुल में जन्म होना, लेकिन अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हो कि शूद्र का कार्य कर रहे, शूद्र से भी नीचे, मैक्सिमम सो मेनी, अभी कितने ब्राह्मण मच्छी खाते, मांस खाते, शराब पीते, सिगरेट पीते, ब्राह्मण कुल यही है, क्योंकि सही मार्गदर्शन, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति, तो ब्राह्मण रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेबल पोजिशन। भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, इसीलिए ब्राह्मण भोजन। अभी तो ढूंढना पड़ता है ब्राह्मण भोजन, तो इसीलिए वे अपने मुख से वैदिक वेदों का उच्चारण करता है, वे लोगों को ज्ञान देता है, वो कुछ भी इच्छा नहीं रखता है कि नहीं है ब्राह्मण हूं मैं इतना लूंगा। तो ये जो है आज दूषित है। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कृत्रिम रूप से भगवान के परम पद का अधिकारी नहीं बन सकता, किंतु प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के निमित्त है। बहुत सारी चीजें हैं, एक्चुअली ये बहुत विशाल वर्ण आश्रम, गृहस्थ आश्रम क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी। तो एक लाइन में गृहस्थ आश्रम मतलब अपना घर में रहकर पूरे परिवार के साथ हम भगवान का भजन करें तो उसको कहते हैं। जस्ट रीड वन लाइन, दो लाइन है। गृहस्थ वे हैं जो अपने पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। वन लाइन, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, ये सब आश्रम है। गृहस्थ जीवन भी एक आश्रम है। और यहां पे श्री प्रभुपाद स्पष्ट बताते, किंतु डिफरेंस क्या है, जो घर में रहते उनको गृहस्थ कहते हैं, लेकिन वो घर में लेके आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं करते उनको गृहमेधी, गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहता है, और इस प्रकार वे अन्य से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्कृत। मेधी शब्द अन्य से ईर्ष्या का सूचक है। मेधी मीन्स ईर्ष्या, गृह मेधी। गृह मेधी केवल पारिवारिक मामले में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्य के प्रति ईर्ष्यालु रहता है। बहुत ही सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने ये बताया है, और श्री सुत गोस्वामी भी बताया कि ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहता रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के
भरण पोषण में बिताते बिताता है श्रीमद् भागवतम 2.1.3। गृहमेदी का वर्णन किया है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।